हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल, जिसमें स्थापत्य कला मध्यकालीन भारत की, स्थापत्य कला मध्यकालीन बिहार की, जिसमें हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे। इस आर्किटेक्चर में टॉम्ब हो गया, केव हो गई, इन सब की बात करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इनका, जैसे देखिए, पहले जो सबसे पहला मेडिवल इंडिया का वो सूर आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसने जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जैसे सहतीरीय सिस्टम का वो किया। इसमें मुसेलियन है, टॉम्ब है, दो लोगों के, एक तो हसन शाह सूर, फादर जो शेर शाह के थे, और दूसरा जो शेर शाह का खुद का है। ये दोनों ऑक्टागोनल शेप में हैं, ऑक्टागोनल शेप में। ये देखिए, ये है हसन शेर शाह सूर का जो टॉम्ब है, ठीक है। इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं अलीवल खान थे, ठीक है। मुसेलियम शेर शाह जो है एक्सीलेंट मॉन्यूमेंट था जो है। और इसका जो मिडिल लार्ज क्वाड्रेंगुलर टैंक था, चार चौकोर टैंक था, ठीक है। ये चुनार के सैंडस्टोन से बना था। और जो टॉम्ब ऑफ अलीवल खान भी जो है सासाराम में है, इन सब का टॉम्ब सासाराम में है, सासाराम में ये टॉम्ब है, ठीक है। फोर्ट जो शेरगढ़ का फोर्ट है नियर सासाराम में, ये भी ये शेरशाह ने बनवाया था। जामी मस्जिद है जो रोहतास फोर्ट है, ठीक है, ये शेरशाह के टाइम की है। और इसके हैबत खान ने 1543 में बनवाया था। थ्री डॉम, तीन डॉम वाली ये है, ये व्हाइट सैंडस्टोन से बनी है, व्हाइट सैंडस्टोन। और जो इसके पहले जो चुना जो शेरशाह का और हसन सूर का जो मुसेलियन था, टॉम था, वो है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था। लाल बलुआ पत्थर जो है चुनार के पहाड़ियों से आया हुआ था। ये रहा अगला जो है, अब ये मुगल आर्किटेक्चर में आ गया। तो पैलेस रोहतास में है, ये 1547 में कंप्लीट हुआ था। इसमें जो है क्लियर कट जो है दिखता है कि इनका जो है अकबर के टाइम का इस पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, प्रभाव बहुत ज्यादा है। और जो अगला टॉम जो है मखदूम शाह दौलत जो है मनेर का, मनेरी जो यहिया मनेर का वो होता है, ये पटना में है। ये भी सैंडस्टोन से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से। इन्होंने जो है कि मखदूम शाह 1608 में मरे थे, और इनका जो टॉम्ब बन के कम्प्लीट हुआ था वो 1616 में हुआ था। गोलघर जो है ये गंगा बांकीपुर में है, पटना में, ठीक है। पटना के पास बांकीपुर है, वहां पे है इसका। ये 1786 में बना था। इसके जो आर्किटेक्ट थे कैप्टन जॉन गार्स्टिन जो थे, ये एक इंजीनियर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये एक एम्प्लॉय थे, इंजीनियर एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये इसके आर्किटेक्ट थे। बेगू हम हज्जाम मास्क तो मुअज्जम नजीर खान ने बनवाया था, लेकिन इसका रेनोवेशन जो है बेगू हज्जाम ने करवाया था 1645 में। ये अलाउद्दीन शाह सुल्तान गौर, जो गौर शासक था बंगाल के, उसके टाइम में थे, उसके यहाँ थे। और इनका जो है 1510 में बना था, बाद में रिनोवेशन बेगू हज्जाम ने करवाया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम हो गया बेगू हज्जाम मस्जिद नाम पड़ा। टेकारी किला, टेकारी गया में है। इसके जो कई आर्किटेक्चर हैं, जिसमें हवेली है, रंग भवन है, जिसमें रंगमंच के लिए, नृत्य वगैरह के लिए होता था, दरबार था, इस तरह से दरबार जहां शासक दरबार लगाता था, ये सब चीजें बनी हुई थी। ये टेकारी किला गया में है। दाऊद खान फोर्ट तो ईस्टर्न बैंक, सोन के ईस्टर्न बैंक पे है। और इसका दाऊद खान जो है गवर्नर था, दाऊद खान औरंगजेब के टाइम में गवर्नर था। ये औरंगजेब के टाइम की मस्जिद है, फोर्ट है, सॉरी। अब अगर कुछ भी मतलब पूछ लिया, मिलान करने के लिए पूछ लिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है, दाऊद खान जो है औरंगजेब के टाइम में गवर्नर था, या जहांगीर दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, औरंगजेब सही है। विष्णुपद टेम्पल गया में है। ये रिवर फाल्गु, जो निरंजना रिवर है, उसके बैंक पे है। ये बिल्ट किया गया था 18 सेंचुरी में। और ये महारानी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर जो विजिट की थी, उन्होंने बनवाया था। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर रहा, ये टेम्पल का स्ट्रक्चर है, और इसको होलकर की महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, ठीक है। जामी मस्जिद हाजीपुर वैशाली में है। इसका एक हाजीपुर में ही एक जो ओल्ड फोर्ट है, पुराना किला है, उसमें है, ठीक है। और ये गंडक रिवर के बैंक पे, जैसे
पटना के पास में तीनों का संगम हुआ है, तो संगम के पहले गंडक रिवर जो है वहां पे ये फोर्ट है। ये इलियास शाह, बंगाल का जो इलियास शाह था उसने बनवाया था, पटलपुरी एंड बटेश्वर केप। तो पटलपुरी और बटेश्वर केप जो है भागलपुर में है, पथार घट्टा जो भागलपुर में एक जगह है, पथार घट्टा नाम करके एक जगह है वहां पे है ये। इसमें सेवन हिल है, और जो पतालपुरी जो हिल है, पतालपुरी केव है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट केव है, सबसे बड़ी केव है, सबसे बड़ी हिल पे है, ठीक है। ये था पतालपुरी पे। देखते हैं आगे, तो गोपी केव जो नागार्जुन केव है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे हाई क्वालिटी बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी का ये देखिए गोपी केव है, क्वालिटी बहुत अच्छी इसकी है। फिर ये मौर्यन टाइम के इंस्क्रिप्शन, दो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं मेनली, एक इंस्क्रिप्शन तो मौर्यन टाइम के है और थर्ड सेंचुरी बीसी है, मान लीजिए अशोका के टाइम का ये है। और करना चौपर केव, ये बार्बर हिल, ये भी जहानाबाद में है, ये भी मौर्यन टाइम में बिल्ड की गई थी, और ये आजीविका के सेल्टर के तौर पे दिया। बहुत सारे जो जैसे बार्बर केव में बहुत सारी केव हैं, और नागार्जुन केव, बार्बर केव, जहानाबाद में, गया में जो भी केव है, लोमेश्वर केव जो गया में है, इन्होंने उस टाइम जैसे होता था तो मॉन्क जो होते थे, जो सेक्ट होते थे, समुदाय होते थे उस टाइम, ये किंग का राजशाही पैटर्नेज मिला रहता था, संरक्षक संरक्षण था, और ये बनवा के उनको गिफ्ट कर देते थे, उनको दान दे देते थे। ये इस तरह से इन्होंने आजीवक सेक्ट को दान दिया था। लोमेश ऋषि केप, बार्बर जहानाबाद, रोमेश ऋषि केप को जो और है गराटो लोमोस ऋषि के नाम से जाना जाता है, ये जो एक वन ऑफ द मैन मेड केप है, ये जो है आदमियों के द्वारा बनवाई गई थी, नेचुरल केप तो है नहीं, इन बार्बर एंड नागार्जुन हिल जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और ये बिहार में आता है, रॉक कट केव है, ओके। और इसका जो एम्पायर थर्ड सेंचुरी बीसी में, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सैक्रेट आर्किटेक्चर ऑफ आजीवक, इस जो है आजीवक की सैक्रेट आर्किटेक्चर के तौर पे इसको जाना जाता है। ये देखिए, ये है लोमेश ऋषि का एंट्रेंस, लोमेश ऋषि केव का एंट्रेंस है, और ये गोपी केव है। तो दोस्तों ये था आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को वीडियो को शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।